मैं हूं सत्य प्रकाश और आप जुड़े हैं लीगल बाउंड्री यूट्यूब चैनल के साथ। आज मैं डिस्कस करूंगा कि देश की अदालतों में क्यों लगातार बढ़ रहे हैं मामले और अदालतों के ऊपर क्यों बढ़ रही है बोझ और अदालतों में कितने मामले अभी पेंडिंग हैं और अदालतों के द्वारा क्या इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। कोर्ट में लगातार बढ़ रहे लंबित मामलों का निपटारा करने में झारखंड हाई कोर्ट जहां सबसे पीछे है तो हिमाचल हाई कोर्ट सबसे आगे है। देश की निचली अदालतों से लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो कुल 4,09,00,000 मामले लंबित चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से चिंता जताने के बाद भी आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो यहाँ 2 मार्च 2022 तक 70,154 मामले लंबित हैं। आंकड़ों पे अगर गौर करें, अब मैं आपके सामने कुछ वर्षवार आंकड़ों का जिक्र करना चाहूँगा कि आखिर किस वर्ष और कितने मामले अदालतों में पेंडिंग रहे। जैसे कि वर्ष 2019 में 59,535 मामले दिसंबर तक, 2020 में 64,426 दिसंबर तक, 2021 में 69,855 दिसंबर तक, 2022 में मार्च तक 70,154 मामले लंबित हैं। यह स्रोत कानून मंत्रालय देश के हाई कोर्ट द्वारा दी गई आंकड़ों के आधार पर जारी की गई है। देश के हाई कोर्ट की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। 28 मार्च 2022 को हाई कोर्ट में 58,59,000 मामले न्याय की राह देख रहे हैं। हाई कोर्ट में भी दिसंबर 2019 से लेकर मार्च 2022 के बीच हाई कोर्ट में 12 लाख से ज़्यादा मामले लंबित हुए, यानी यहाँ भी करीब 3.25 साल में लंबित मामलों में 14% की बढ़ोतरी देखने को मिली। अगर आप लंबित मामलों की बात करें तो हाई कोर्ट में केवल दिसंबर 2019 तक 46,84,000 मामले थे, जबकि दिसंबर 2020 तक 56,42,000, वहीं दिसंबर 2021 तक 56,49,000 और दिसंबर 2022 तक 58,90,000 मामले। यह सारे स्रोत कानून मंत्रालय द्वारा अदालतों के दिए आंकड़ों पर कानून मंत्रालय रिलीज करती है। जहां तक बात करें तो सबसे अधिक मामले निचली अदालतों में लंबित हैं। दिसंबर 2019 में लोअर कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 3,22,00,000 थी, जो कि मार्च 2022 आते आते बढ़कर 4,09,00,000 से ज़्यादा हो गई, यानी कि लोअर कोर्ट में 21% मामले बढ़े। अगर आप साल के अनुसार इन मामलों को देखेंगे तो दिसंबर 2019 में 3,22,00,000 मामले थे, वहीं दिसंबर 2020 में 3,66,00,000, वहीं दिसंबर 2021 तक 4,05,00,000 और दिसंबर 2022 तक 4,09,00,000 मामले केवल जिला अदालतों में पेंडिंग थे। इन सारे आंकड़ों को कानून मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। देश के कुछ हाई कोर्ट ऐसे भी हैं जहां पर मामलों का निपटारा जल्द होता है, वहीं कुछ ऐसे भी हाई कोर्ट से जहां मामलों का निपटारा बहुत धीमी गति से है। जैसे हिमाचल और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 1 साल के भीतर लगभग 56% मामले निपटा दिए जाते हैं, वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन अदालतों में निपटारा करने की जो प्रतिशत है वो 49.97% और 47% है।
अगर एक साल के भीतर मामला निपटाने को आधार मानकर आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे ज़्यादा समय इन 5 हाईकोर्ट में लगते हैं। इस मामले में रांची हाईकोर्ट पहले नंबर पर है। यहाँ साल भर में महज 3.29% मामलों का निस्तारण किया जाता है। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में ये संख्या 14.82% है। कर्नाटक, पटना और केरल हाईकोर्ट भी इस सूची में शामिल है। कानून मंत्रालय ने एक और आंकड़ा रिलीज किया। इस आंकड़े में कानून मंत्रालय ने बताया कि देश के कई ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जहां 10 साल से अधिक मामले चलते हैं। हाई कोर्ट में भी आपको न्याय के लिए सालों इंतजार करना पड़ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 452 मामले ऐसे हैं जो 21 साल से ज़्यादा लंबित हैं। 10 साल से ज़्यादा रुके हुए केस की बात करें तो अव्वल नंबर पर झारखंड आता है, जहां पर 13% केस लंबित है। इसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट का नंबर आता है, जहां पर भी लंबित मामलों के आंकड़े दहाई के अंकों में हैं, 12.19% और 11.86%। हाल ही में जब सरकार से कोर्ट में लंबित मामलों के बारे में पूछा गया तो सरकार का जवाब था कि केस का निपटारा करना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार केस के निपटाने के मामले में कोई सीधी भूमिका नहीं निभा सकती है। समय पर केस का निपटारा कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें पर्याप्त संख्या में जज और न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता, बुनियादी ढांचा, शामिल तथ्यों की जटिलता, साक्ष्यों की प्रकृति और दोनों पक्षों का सहयोग शामिल है। अगले वीडियो में मैं कुछ और इस सब्जेक्ट पे डिटेल में डेटा के साथ में आऊँगा। तथ्य अवेलेबल थे इंटरनेट पर, जो सरकार द्वारा गवर्नमेंट की वेबसाइट में जो आंकड़े दिए गए थे उसके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाई है। कुछ चीज़ें और हैं जो मैं अगले अंक में शामिल करूँगा। धन्यवाद। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।